मुख्यमंत्री के कोरबा जिले के प्रवास के कुछ घंटे पहले सिविल लाइन थाना पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ जनपद पंचायत उपाध्यक्ष को उठा लिया। इन दोनों को रामपुर थाना लाया गया। माजरा समझ से परे था, इसलिए कुछ देर बाद भाजपा के कई नेता सिविल लाइन थाना पहुंचे और इस तरह की कार्यवाही पर सवाल उठाए। कोरबा जिले के चिर्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रवास को लेकर जमकर तैयारी की गई। इधर शहर में पुलिस भी एक्शन मोड पर नजर आई। सिविल लाइन पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंकज सोनी को उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान से उठाया और थाना ले आई। सोनी इससे भौचक थे। पंकज ने बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से उनकी योजना विरोध करने की थी, लेकिन यह सब हुआ नहीं। आज रामपुर विधानसभा के ग्राम चिर्रा में सीएम भूपेश बघेल जी का आगमन हो रहा है, और चूंकि मुख्य विपक्षी दल के युवा विंग के कार्यकर्ता होने के नाते अब लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम विरोध करें। उनको जो सोती हुई सरकार है उनको जगाने का काम कौन कर सकता है, हम ही कर सकते हैं मुख्य विपक्षी दल होने के नाते। अब ऐसा हम लोगों ने योजना बना करके रखा था, लेकिन तभी विरोध किए नहीं थे। मैं अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में बैठा हुआ था, अचानक से 3 पुलिस वाले आते हैं और मुझे उठा करके सीधे थाने ले आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि आप वहाँ विरोध प्रदर्शन करने जाने वाले थे, इसलिए आपको लाया गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, अभी तो हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया ही नहीं है, तो फिर मुझे जबरन यहाँ पर ला करके बिठाने का इनकी मंशा क्या है? आखिर भूपेश बघेल जी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से क्यों डरते हैं? सिविल लाइन पुलिस ने हैरान करने वाले अंदाज में जनपद पंचायत कोरबा के कांग्रेस समर्थित उपाध्यक्ष नंद कुमार कंवर को भी घर से उठा लिया। वे खुद परेशान दिखे कि आखिर ये हो क्या रहा है। मीडिया ने जब वीडियो बनाना चाहा तो कर्मियों ने टोका टाकी की। अरे हमारा काम है भैया बनाना, कुछ नहीं भैया हमारा काम है न्यूज चैनल से। प्रकरण की जानकारी होने पर जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव सिंह और कई पदाधिकारी सिविल लाइन थाना पहुंचे और इस बारे में बातचीत की। उन्हें अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर राजीव सिंह ने पुलिस की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत और दमनकारी बताया। कहा गया कि 15 साल बीजेपी की सरकार में ऐसा काम कभी नहीं हुआ, 6 महीने बाद जनता हिसाब करेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज सीएम साहब पहुंचे नहीं थे तो इतना डर क्या आ गया कांग्रेसियों में कि उन लोगों ने प्रशासन और इन लोग को बोल करके हमारे इन पदाधिकारियों को अपने अपने घरों से उठवा लिया, जबकि कोई विरोध हुआ भी नहीं था। यहाँ जब मैं थाने पहुँचा तो मैं देखा कि पंकज सोनी जी तो बैठे हुए थे, साथ ही साथ मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जो कि वहाँ पे जनपद के उपाध्यक्ष हैं नंद कुमार कंवर जी, वो भी यहाँ बैठे हुए, जिनको पूरी जिम्मेदारी वहाँ की दी गई थी। इसका मतलब साफ आता है कि विकास कार्य वहाँ पे नहीं हुआ है। शायद उसके बारे में वो उनको जानकारी देना चाहते होंगे या उसका विरोध करना चाहते होंगे, इसलिए उनको भी बैठा दिया गया है। तो यह कहाँ की राजनीति है, यह कहाँ की परिपाटी है कि कुछ कार्यक्रम हुआ भी नहीं है और उससे पहले ही लोगों को थाने में बैठा दिया जाता है। कांग्रेस सरकार की यह भ्रष्टाचार नीति, कांग्रेस सरकार की यह दमन नीति और कानून विरोधी नीति, यह लोगों के सामने अब आ रही है। और आने वाले दिनों में 6 महीने बची है इनकी सरकार, हमारी भी सरकार थी 15 साल, लेकिन कभी ऐसा देखने को हमें नहीं मिला था। लेकिन आज जो ये रीति नीति अपना रहे हैं, ये कानून विरोधी काम कर रहे हैं, इसका जनता जरूर इनको सजा देगी। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस द्वारा बिना किसी कारण के उठाए जाने से कार्यकर्ता असमंजस में है कि यह सब हो क्या रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मनोज यादव के साथ पवन तिवारी की रिपोर्ट।